ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमन किया मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अपने प्रोजेक्ट में क्या है मेरे पास यहाँ पे सिर्फ फेस लिया, ठीक है। अभी हमने जो सेटिंग किया ना, जो सेटिंग किया उससे हैवी होता है क्या अभी। अब देखो ये जो पार्ट है, मैं जो भी मुझे यहाँ पे मुझे चीज़ों को मैनेज करना है, मुझे कितना पार्ट चाहिए क्या करना है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लेके चलूँगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, मैं कल उसका मेरे डिजाइन में फेस निकाला था, ऐसा क्लिपिंग वाला किया था ना, तो पूरा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्लिपिंग वाला को अलग कट हुआ था। ये क्लिप क्या पे यहाँ पे देखो कव लेके कर रहा था ना, तो पूरा ऐसा बाहर निकल रहा था। अच्छा, वो तो होता है मैनेज। देखिए जो आप काम करेंगे जहाँ पे करेंगे वैसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अभी मैं इसी चीज़ के मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, ऑल्ट एंड क्लिक, ऑल्ट एंड क्लिक, ऑल्ट एंड क्लिक किया मैंने यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ मैं उसका जरा मुझे यहाँ पे अगर इतना पार्ट लेना है तो मैं ऐसा करके मैं मैनेज करना, लेकिन यहाँ पे हाँ ऐसा आता है ना, लेकिन इसको मुझे क्या मैनेज कर, वो उसको भी डिडक्ट करने का ऑप्शन आना चाहिए कि वह समझे वो। अब देखिए ये पार्ट मैं ऐसे करने वाला हूँ, ऐसे मेरे पास होना चाहिए, लेकिन कई बार ये भी प्रॉपर रीड नहीं करता क्या, तो इसका भी ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे, तो फिर वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मास्किंग कर अपने यहाँ पे, ये अपना बहुत सिंपल सा फंडा है क्या, वो हाँ हाइड करके वो क्या अपना जी, इसमें अब चीज़ें ख़राब होने की चीज़ नहीं होती क्या, जैसे यहाँ पे मैंने कितना कर दिया, ठीक है इतना चाहिए, मैंने यहाँ पे क्या किया अपना कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या कंट्रोल एन क्लिक किया, यहाँ पे पीछे का डिलीट कर दो अपने, ठीक है। तो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे, इसमें भी आपको एक टिप्स और बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने किया ज्योमेट्री में गए, यहाँ पे क्या किया मॉडिफाई में, मॉडिफाई टोपोलॉजी में गए, यहाँ पे डिलीट हिट एंड कर दिया, ठीक है। अब ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, अब यहाँ पे तो मेरे पार्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी, यहाँ पे स्विफ्ट एफ है मेरे पास, यहाँ पे कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ यहाँ पे। अभी क्या है कि मुझे इसका जो अंदर वाला पार्ट चाहिए, बाहर वाला पार्ट चाहिए, दोनों पार्ट में यहाँ पे काम करता था। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ को तो था मैनेज कर लेते, क्या जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लेता, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट वाला पार्ट किया था हम लोगों ने यहाँ पे, कि भाई मेरे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट वाला कितना पार्ट किया था हमने यहाँ पे 0.00, जो भी हम लोग यहाँ पे वन करते हैं, एक बार वन करके देखते हैं, ये चीज़ हमें थोड़ा प्ले करके देखना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे कि थिकनेस मुझे कितना चाहिए, बहुत कम आ रहा है, ठीक है, तो ये आप 0.05 करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ये पार्ट देखिए। अभी मुझे यहाँ पे कैसे काम करें, देखो यहाँ पे मुझे इतना चाहिए तो मैं इसके बारे में मैनेज करके काम करूँगा यहाँ पे, तो ये अपना क्या, अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ तो यहाँ पे बस एक ये पार्ट मेरे को मिल जाता है ऊपर। अब मुझे ये कैसा है कि ये अंदर की तरह से काम करना, तब जैसे क्या होता है कि कई जगह ऐसा होता है कि हम लोग क्या कहते हैं, हीरो हीरोइन या एक्ट्रेस का क्या होता है कि फेस बनाते हैं, तो पहले पहले पार्ट बना लेते हैं, उसका क्या कहते हैं ऐसे बाहर करके ना ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पे हटा देते हैं, ये डिटेल वाले पार्ट है ना, यहाँ पे ये पार्ट को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं कि भाई यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल ये के लिए बिल्डअप से लेके मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, यहाँ पे ये मैंने कवर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कहाँ गया यहाँ पे ऑल्ट एंड क्लिक, यहाँ पे चला नहीं चला, स्टेंट स्टेंट कम, यहाँ पे ये ऐसे करके कवर कर दिया, ऊपर से हमने कवर कर दिया यहाँ पे। अब ये काम अपोजिट भी है और लाइक सीधा, जैसे ये पार्ट थी ना यहाँ पे, ये पार्ट मैं यहाँ से कवर कर दिया यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अंदर से। आप अंदर में काम करेंगे तो अंदर में चीज़ दिखेगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने वहाँ पे काम किया, अंदर भी इफेक्ट पड़ा, तो अंदर इफेक्ट ना पड़े तो मैं कौन सा टूल यूज़ करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्विफ्ट एफ है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, याद है। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरे पास बैक फेस कल अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ना, ब्रशेस पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया ऑटो मास्क में जाके, यहाँ पे इस ऑप्शन को एक बार ध्यान देना, बैक फेस मास्क, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, स्विफ्ट एफ प्रेस के यहाँ पे, यहाँ पे मैंने ऐसे स्कल्प किया, यहाँ पे देखिए पीछे आ रहेगा, अब नहीं आ रहा, तो ये चीज़ में ध्यान देना। दूसरा पार्ट आपको एक चीज़ और भी बताया था मैंने, यहाँ पे कंट्रोल एंड स्विफ्ट, हाँ ये ऐसे भी वही बताऊँ कि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं कंट्रोल एंड स्विफ्ट ये मैंने क्लिक किया तो देखिए मैं ये पूरा फिनिशिंग के साथ आ रहा है क्या, कुछ भी डाल के काम कर सकते हैं, जो ये देखो ये अलग पार्ट है इसको, हाँ हाँ ये निकाल देंगे। तो हम लोग अभी जैसे हाँ, तो ये क्या, जैसे किसी भी जैसे किसी का सांचा होता है, अंदर का सांचा बनाना है, ऊपर से गोल्ड डालो तो ये अंदर वाले पार्ट के लिए हो जाता है, बाहर वाले पार्ट के लिए क्या उल्टा वैसा बनाना पड़ता है कि भाई वैसे हम लोग चीज़ को मैनेज कर सके, भाई ऐसा मुझे पार्ट चाहिए। तो इसलिए मैंने दोनों टिप्स बताए कि भाई आपको तो साइड मिले कि भाई अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम कर देता हूँ, क्लिक किया मैंने कंट्रोल एंड शिफ्ट, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैस को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ये ठीक है, ये पार्ट आपके पास यहाँ पे, देखो यहाँ पास एक डबल का बटन भी यहाँ पे यूज़ हुआ है क्या, डबल में दो दो हो जाता है क्या, दो हाँ दो साइड हो जाता है, तो वो थोड़ा सा हमें पहले से ध्यान देके चलना पड़ेगा। अभी ऐसे करके मैं यहाँ पे काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा कवर कर दिया यहाँ पे इस चीज़ों को कवर करता हूँ, तो यहाँ पर ये सिर्फ प्रेस करके यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास अभी इसकी नीड नहीं है, बस यहाँ पे चीज़ अपने फिनिशिंग की चीज़ यहाँ पे दिखेगा, कंट्रोल एंड क्लिक किया तो मैं यहाँ पे फिनिशिंग वाली चीज़ यहाँ पे दिखेगा। ये पार्ट में बस ऐसा आ जाएगा कि मुझे अगर ऐसे दिखाना है
तो एक पार्ट ये भी दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। डायनामिक्स वाला पार्ट्स का सब 1 पीस को बंद कर देता हूं।